दिस इज़ डॉक्टर शाहिना, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1994 विद अ विजन एंड मिशन के हम देख रहे थे कि आने वाले वक्तों में कि फूड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्कोप होगा. वजह यह है कि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है और इसकी इकनॉमी जो है वो एग्रो बेस्ड है. ज़ाहिर है जो एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से की जाती है उसमें भी फूड का एक बहुत बड़ा चंक है. लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, अप्लाइड केमिस्ट्री से सेपरेट हुआ और हमने स्टार्ट किया 4 ईयर BS प्रोग्राम यहाँ पे. बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पे इनिशिएट कर चुके हैं एडमिशन इन MPhil एंड PhD आल्सो, एंड वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग अराउंड 100 ग्रेजुएट्स पर ईयर. जहाँ तक डिपार्टमेंट के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्कोप का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये एग्रो बेस्ड कंट्री है, इसको एक बहुत बड़ा स्कोप है. सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ग्रेजुएट जो है वो फूड इंडस्ट्रीज़ में जाके जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे काम करते हैं, जहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है. इसके अलावा भी दे कैन डू देयर जॉब्स इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. उन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ फूड से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर कैरियर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक PCSIR, लाइक PSQCA, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जहाँ पे फूड के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं. जाहिर है कि फूड का स्टैंडर्ड्स जो है एक एक बहुत बड़ा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि जो भी आपकी एक्सपोर्ट होती हैं और इम्पोर्ट होती हैं वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर सेट होती हैं. इसके अलावा दे कैन इनिशिएट और स्टार्ट देयर कैरियर इन हॉस्पिटल्स एज अ न्यूट्रिशनिस्ट. तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वो कर सकते हैं, एज अ रिसर्च स्कॉलर वो काम कर सकते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट NGOs में काम कर सकते हैं, डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं. अब ये देख लीजिए कि इस डिपार्टमेंट की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है, दुनिया भर से ये डेटा अवेलेबल है, कि फूड बिजनेस इज़ द ओनली बिजनेस डेट कंटिन्यूड इन द पोस्ट सिनेरियो सिचुएशन. तो जाहिर है कि और इसका जो है स्कोप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतना जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और अब जो फूड प्रोडक्ट्स के दरमियान कंपटीशन चलता है और मार्केटिंग के हिसाब से जो कंपटीशन जा रही है वो सिर्फ इस बेस पे नहीं है कि प्रोडक्ट तैयार हो गई है, बल्कि वो इस बेस पे कंपटीशन होता है कि प्रोडक्ट कितनी इनोवेटिव है और कितना उसके अंदर पोटेंशियल है. तो नई से नई डेवलपमेंट आ रही हैं, नई से नई फूड चेन्स जो हैं वो आ रही हैं, और ग्लोबलाइजेशन के साथ ये बिज़नेस जो है मज़ीद फैलता चला जा रहा है. तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है. और फाइनली आई वुड से कि ये वो एरिया है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेट विल नेवर एग्जॉस्ट. इसमें जॉब एग्जॉस्ट नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? कि ये वो चीज़ है कि जो हर बिज़नेस जो है वो अपनी एक लिमिट को पहुँच के जो है वो थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए कि एक स्टिल हो जाता है. बट दिस इज़ अ एवर ग्रोइंग बिजनेस, एवर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. इसीलिए जो भी इस डिपार्टमेंट में और इस फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट करेगा तो ऑफ कोर्स वो फ्लरिश करेगा. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव स्ट्रॉन्गली.